तो कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच सरकार ने गरीबों को राशन की दुकानों से फ्री गेहूं देने की घोषणा की है। तो वहीं उचित मूल्य की राशन की दुकानों के दुकानदार संकट की घड़ी में बेईमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके चलते नागौर जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने रसद विभाग के निरीक्षकों की टीम बनाई है। इसमें पॉश मशीन पर लाभार्थी का अंगूठा लगाने वाली प्रक्रिया के बंद होने का राशन डीलर फायदा उठा रहे हैं और गरीबों के हक का अनाज फर्जी तरीके से उठा रहे हैं। इस निर्देश पर रसद विभाग की सतर्कता टीम ने सोमवार को पादुकला थाने में मांडल जोधा के 3 राशन डीलर और निमड़ी कोठड़िया के 1 राशन डीलर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में गंभीर अनियमितता बरतने का मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज कराने के साथ ही 4 राशन डीलरों को निलंबित कर दिया है। ग्राम पंचायत मांडल जोधा दुकानदारों को किया और सघनता से जांच की थी। उसमें मांडल जोधा के 3 उचित मूल्य दुकानदारों को पाए जाने पर आज पादू थाना कलेक्टर